हेलो एंड वेलकम टू ऑल रूम किचन डॉट कॉम। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक्स्ट्रा स्पेशियस 2 BHK फ्लैट्स किवड़े लोकेशन से। वैसे इस प्रोजेक्ट का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो को क्यों लेके आए हैं इसका रीज़न मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। यहाँ पे लास्ट एंड बेस्ट 10 फ्लैट्स ही अभी अवेलेबल है जिनका कारपेट एरिया है 820 स्क्वायर फीट का। वैसे यहाँ पे अभी कुछ एक्सक्लूसिव प्राइजेस एंड ऑफर्स रखे गए हैं हॉल रूम किचन के व्यूअर्स के लिए। आइए क्विकली इसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसी वीडियो में सैम्पल फ्लैट का टूर भी कवर करेंगे। अभी के जो लास्ट 10 फ्लैट्स बचे हुए हैं इनके लिए आपके लिए स्पेशल प्राइजिंग हॉल रूम किचन की टीम लेके आई है। ऑल इंक्लूसिव प्राइजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है 55 लाख से लेके 57 लाख ऑल इंक्लूसिव। एंड ये प्राइस रेंज इसीलिए है क्योंकि फ्लोर राइज यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो कौन से फ्लोर पे आप फ्लैट लेते हो उस हिसाब से यहाँ पे प्राइजिंग डिफाइन की जाएगी। एंड साथ ही इसी प्राइजिंग में आपको कवर्ड कार पार्किंग भी मिल जाती है। साथ ही साथ एक्सक्लूसिव हॉल रूम किचन के व्यूअर्स के लिए यहाँ पे कवर्ड कार पार्किंग के साथ साथ ईवी चार्जिंग पॉइंट भी आपको इंस्टॉल करके दिया जाएगा। प्लस आपको इन फ्लैट्स के साथ कुछ इस तरीके का सेमी फर्निश्ड फ्लैट आपको बना के दिया जाएगा, जिसमें पूरे फ्लैट में दोनों बेडरूम्स आपके किचन एंड लिविंग डाइनिंग एरिया में फॉल सीलिंग विथ LED लाइट फैन का सेटअप एज इट इज़ करके दिया जाएगा। वॉशरूम्स में भी फॉल सीलिंग के साथ आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। प्लस आपको किचन एरियाज जो हैं ये डनअप किचन मिलते हैं। आइए मैं आपको क्विकली किचन एरियाज बता देता हूँ। कुछ इस तरीके के एल शेप प्लेटफॉर्म के साथ आपको किचन एरियाज मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको डनअप किचन मिलते हैं, यानी कि किचन ट्रॉलीज, मॉडुलर किचन ट्रॉलीज आपको कुछ इस तरीके के दिए जाएंगे। प्लस ओवरहेड कैबिनेट्स भी आपको दिए जाते हैं जो कि हाइड्रोलिक रहेंगे, नॉर्मल नहीं है, हाइड्रोलिक वाले आपको यहाँ पे ओवरहेड कैबिनेट्स मिल जाते हैं। प्लस कुकटॉप एंड चिमनी का सेटअप आपको एज इट इज़ आपके फ्लैट में इंस्टॉल करके दिया जाएगा। तो बेस्ट बात है 820 स्क्वायर फीट कारपेट वाले स्पेशियस एक्स्ट्रा स्पेशियस 2 BHK फ्लैट्स आप सभी के लिए हॉल रूम किचन की टीम लेके आई है। 55 to 57 lakhs ऑल इंक्लूसिव का पैकेज लेके आई है, जिसके साथ कवर्ड कार पार्किंग भी मिलेगी, सेमी फर्निश्ड फ्लैट्स भी मिलेंगे एंड कवर्ड कार पार्किंग में आपको EV चार्जिंग स्टेशन भी पहले से इंस्टॉल करके दिया जाएगा। क्विकली आपको अंडर 5 मिनट्स पूरा सैंपल फ्लैट का टूर करा देता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इसी वीकेंड विजिट करने के लिए जरूर है। एंड बेस्ट प्राइस डील आपको हॉल रूम किचन की टीम की तरफ से यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगी। तो आइए मैं आपको क्विकली सैंपल फ्लैट का टूर करा देता हूँ, आ जाइए। देखिए हर एक फ्लैट के साथ आपको बाहर की तरफ तो लॉबी स्पेस मिल ही जाती है, प्राइवेट लॉबी स्पेस, उसके साथ साथ फ्लैट के अंदर आपको कुछ इस तरीके का 25 स्क्वायर फीट का आपका एंट्रेंस लॉबी स्पेस आपको अलग से मिल जाता है। एंट्रेंस लॉबी से आप जैसे अंदर आते हो आपको रेक्टेंगुलर शेप का ह्यूज लिविंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है। इस तरफ आप लिविंग एरिया के हिसाब से अरेंजमेंट्स कर सकते हो एंड इस तरफ आप डाइनिंग एरिया के हिसाब से अरेंज कर सकते हो। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 17x11 साइज़ का आपको एक रेक्टेंगुलर शेप का लिविंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है, जिसमें आपको ऊपर कुछ इस तरीके का फॉल सीलिंग विथ LED लाइट फैन का कंप्लीट सेटअप आपके लिविंग डाइनिंग एरिया में दिया जाता है। इस तरफ आप पर्टिकुलरली यहाँ पे डाइनिंग सेक्शन अरेंज कर सकते हो, तो 4 सीटर का आपका डाइनिंग यूनिट का अरेंजमेंट इस पर्टिकुलर कॉर्नर में आराम से आ जाएगा। एंड ये पूरा का पूरा सेक्शन आप आपके लॉन्जमेंट सिट आउट एरिया के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप सोफ़ा की अरेंजमेंट कर सकते हो। आप जिस भी तरीके का इंटीरियर करना चाहते हो उस हिसाब से आप आपके यहाँ पे सोफ़ा आ जाएगा। प्लस सोफ़ा के अपोजिट साइड पे ये पर्टिकुलर वॉल काफ़ी बड़ी सी वॉल है, तो आप चाहें तो यहाँ पे आपका मैसिव वॉल माउंटेड LED टेलीविजन का सेटअप आप कर पाओगे। बेस्ट बात है लिविंग से अटैच्ड आपको कवर्ड बालकनीज भी मिलती है, आ जाइए इसे भी मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़ी सी बालकनी है विथ काफ़ी बड़े स्लाइडिंग विंडोज़ के साथ ये बालकनीज आपको मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा एयर वेंटिलेशन एंड लाइट वेंटिलेशन आपको आपके लिविंग एरिया में इन बालकनीज की वजह से मिल जाता है। कुछ इस तरीके के रेलिंग का सेटअप आपको मिल जाएगा, नीचे एंटीस्किड टाइल्स मिल जाती है एंड ऊपर आप देखिए कुछ इस तरीके के आपको जो है कवर्ड बालकनीज यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे कोई फॉल सीलिंग आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल आपको जो है ऊपर से कवरिंग मिलेगी, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे एक अच्छा डिसेंट साइज़ का बालकनी स्पेस मिल जाता है। आप यहाँ पे बड़े आराम से गार्डन स्पेस भी क्रिएट कर सकते हो, बड़ा सा सिटिंग एरिया भी क्रिएट कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी दिया जाता है, तो उस हिसाब से आप बाहर बैठ के वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो या फिर फेस्टिवल सीजन में आप यहाँ पे डेकोरेटिव लाइटिंग्स वगैरह भी प्रॉपरली लगा सकते हो। आइए अब मैं आपको किचन एरिया दिखा देता हूँ। डाइनिंग से अटैच्ड आपको यहाँ पे एल शेप प्लेटफॉर्म के साथ किचन एरियाज एंड डन अप किचन एरियाज मिल जाते हैं। एज इट इज़ आपको पूरा का पूरा जो है मॉडुलर किचन ट्रॉलीज का सेटअप विद ओवरहेड कैबिनेट्स, कुकटॉप एंड चिमनी आपको यहाँ पे दिया जाता है। अरेंजमेंट्स की बात करूँ तो ये पर्टिकुलर कॉर्नर एम्प्टी रखा गया है, ताकि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका फ्रिज प्रॉपरली रख पाएँ। उस हिसाब से आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये आपका सर्विस प्लेटफॉर्म आ गया, उस हिसाब से यहाँ पे आपको मल्टीपल पॉइंट्स दिए जाएंगे।
ताकि आपका मिक्सर, ओवन, ग्राइंडर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में रख पाओ, प्लस इस पर्टिकुलर सर्विस प्लेटफॉर्म को एज ए चॉपिंग प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म आ गया, तो यहाँ पे कुकटॉप एंड आपका चिमनी का सेटअप आ जाएगा। दो सिंक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एक सिंक आपको यहाँ की तरफ मिलेगा जहाँ पे आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वॉश कर सकते हो, एंड इस तरफ आपको ड्राई बालकनी अलग से मिल जाती है। तो ये कम्प्लीटली ड्राई बालकनी आपको सेपरेट आउट करके मिल जाती है। आप चाहें तो ड्राई बालकनी को आपके इंटीरियर्स में पार्टीशन करके कम्प्लीटली सेपरेट आउट भी कर सकते हो। यहाँ पे एक और सिंक पोर्शन मिल जाता है जिसके ऊपर पॉइंट मिल जाता है आपको, एंड आप चाहें तो यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर भी इंस्टॉल कर पाते हो। ऊपर की तरफ आपको इनफ स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप ड्रायर यूनिट भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो आपके क्लोथ्स वगैरह आप यहाँ पे भी प्रॉपरली ड्राई कर सकते हो। ये पर्टिकुलर कॉर्नर में आपको इनलेट, आउटलेट एंड इलेक्ट्रिक पॉइंट मिल जाता है ताकि आपका यहाँ पे वॉशिंग मशीन यूनिट प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाए। एंड आप यहाँ पे विंडोज़ भी देख लीजिए, काफ़ी बड़ी सी विंडो आपको मिल जाती है जहाँ से एक अच्छा वेंटिलेशन आपको आपके किचन एरिया में आता रहेगा। प्लस अगर आपको एग्जॉस्ट फैन का इंस्टॉलेशन करना है तो उसके लिए भी आपको पहले से प्रोविजन यहाँ पे दी जाती है। तो प्यारा सा किचन एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एंड स्पेशियस किचन है एंड डनअप किचन है। शायद ही किसी और प्रोजेक्ट में आपको ऐसा डनअप किचन मिल जाएगा इस प्राइस पॉइंट पे, एंड 820 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के 2 BHK फ्लैट शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। आ जाइए, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करेंगे। आ जाइए, इस तरफ आपको डाइनिंग एरिया से ही लग के बाहर की तरफ प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन स्पेस कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। आ जाइए, इस तरफ आपका कॉमन वॉशरूम आ गया जहाँ पे डेकोरेटिव टाइल्स का सेटअप आपको मिल जाएगा। ऊपर आपको फॉल सीलिंग एज इट इज़ आपको देखने को मिल जाती है। ये आपका बेडिंग स्पेस इस तरफ आ जाएगा, एंड वॉल माउंटेड कमोड स्पेस आपको कुछ इस तरीके से इस तरफ देखने को मिल जाता है। आइए अब किड्स बेडरूम आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ आपको किड्स बेडरूम मिल जाता है, स्टैंडर्ड साइज़ का है, 10x10 साइज़ का किड्स बेडरूम मिल जाता है, जिसके साथ अगेन काफ़ी बड़ी सी जो है विंडो मिल जाती है, लगभग 6x6 की साइज़ की आपको विंडो मिल जाएगी जहाँ से काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन आपके किड्स बेडरूम में आता रहेगा, एंड आप बड़े आराम से आपके किड्स के लिए बेड, वार्डरोब, स्टडी टेबल यहाँ पे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करेंगे। एंड एक और चीज़ मेंशन करना भूल गया, आपको पूरे फ्लैट में इवन किड्स बेडरूम में कुछ इस तरीके का फॉल सीलिंग विद LED लाइट एंड फैन का सेटअप करके दिया जाता है। वो आपको मास्टर बेडरूम में भी LED लाइट, फैन एंड फॉल सीलिंग का सेटअप करके पहले से ही दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ आपके मास्टर बेडरूम की, तो ये आपको 11.6x10 साइज़ का एक डिसेंट साइज़ का मास्टर बेडरूम मिल जाता है। एक और बेस्ट बात है, मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड आपको बालकनी एरियाज भी मिल जाती है जो प्रॉपरली कवर्ड बालकनी एरिया है। मास्टर बेडरूम के साइजिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो आप यहाँ पे बड़े आराम से क्वीन साइज़ का बेड, बड़ा सा वार्डरोब, वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट एंड साथ ही आप एक ड्रेसिंग टेबल इंस्टॉल कर सकते हो, उतनी स्पेस आपको मास्टर बेडरूम में मिल जाती है। आइए आपको अटैच्ड कवर्ड बालकनीज भी दिखा देता हूँ। आ जाइए, तो कुछ इस तरीके के एंटी स्किड टाइल्स के साथ आपको यहाँ पे बड़ी सी बालकनी आपके मास्टर बेडरूम के साथ अटैच मिलती है। रेलिंग का सेटअप कुछ इस तरीके का मिलेगा, एंड ऊपर से कवर्ड बालकनीज आपको कुछ इस तरीके की आपके मास्टर बेडरूम के साथ देखने को मिल जाती है। आइए अटैच्ड मास्टर वॉशरूम को भी चेक करेंगे। आ जाइए, इस तरफ आपको अटैच्ड मास्टर वॉशरूम मिल जाता है जिसमें कुछ इस तरीके के प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन स्पेस, वॉल माउंटेड कमोड एंड यहाँ पे आपका बेडिंग एरिया एंड डिज़ाइनर कलर के टाइल्स कॉम्बिनेशंस दिए जाएंगे। नीचे एंटी स्किड टाइल्स आपको मिल जाती है, साथ ही ऊपर फॉल सीलिंग का सेटअप भी एज इट इज़ विद LED लाइट्स आपको आपके मास्टर वॉशरूम में भी दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके के 820 स्क्वायर फीट कारपेट वाले यहाँ पे 2 BHK अल्ट्रा स्पेशियस फ्लैट्स अवेलेबल है। सेमी फर्निश्ड फ्लैट्स है, विद इन बजट है, 55 लैक्स टू 57 लैक्स ऑल इंक्लूसिव। इसी प्राइसिंग में आपको कवर्ड कार पार्किंग भी मिल जाती है, साथ ही आपको कार पार्किंग में EV चार्जिंग पॉइंट भी इंस्टॉल करके दिया जाएगा। ये स्पेशल ऑफर आपको सिर्फ hallroomkitchen.com की तरफ से देखने को मिल जाती है। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी मिस आउट ना करें, लास्ट के बेस्ट 10 फ्लैट्स ही यहाँ पे अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट को इसी वीकेंड विजिट करके आपको अगर अच्छा लगता है तो बुकिंग डेफिनेटली करें, एंड अगर आपको बेस्ट प्राइस डील चाहिए तो हॉलरूम किचन की टीम आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ आप आपके चैनल हॉलरूम किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक ज़रूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पे दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।